हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिफरेंट शेप्स की आईब्रो बनाना सीखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर ले। तो अभी देखो, इस आईब्रो में ना दोनों शेप्स अलग है। मतलब जो राइट साइड की थ्रेडिंग है, जो मैं इसके एक्स्ट्रा हेयर्स काट रही हूँ, तो वो है, मतलब वो थोड़ी थीक है, और जो लेफ्ट हैंड की जो थ्रेडिंग है वो थोड़ी सी थीन है, आप देख सकते हो, और मिडल में तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी थ्रेडिंग में आपको मतलब कैसे बनानी है, क्या केयर करनी है, वो आज हम आपको बताएंगे। तो आप बने रहना, बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है। तो अभी सबसे स्टार्ट, मतलब जो एक्स्ट्रा लॉन्ग हेयर्स थे मैंने, वो पहले कट कर लिए हैं, और उसके बाद अभी उसको टैल्कम पाउडर लगा रही हूँ। तो बिगिनर्स को अगर पता नहीं होगा तो टैल्कम पाउडर क्यों लगाया जाता है, तो मतलब क्या होता है, मॉइस्चर होता है स्किन में। मॉइस्चर की वजह से क्या है, थ्रेड है ना, वो जो होता है स्लिप हो जाता है, इसलिए हम टैल्कम पाउडर लगाते हैं। तो यही है। तो अभी हम धागे की कैंची बनाएंगे। अगर आपको धागे की कैंची बनानी आती नहीं होगी, तो उससे पहले मैंने डे वन में, ऑनलाइन क्लास के डे वन में, मैंने धागा कैसे पकड़ना है और कैंची कैसे बनानी और हेयर्स कैसे निकालनी, इस पर फुल ट्यूटोरियल दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हो। तो पहले मैंने अभी जो धागे की कैंची बना के लास्ट, मतलब जो शुरू के जो हेयर्स थे आइब्रो के नीचे वाले, तो वह मैंने दो तीन एक लाइन में देखो निकाल लिए। तो देखो एक लाइन सी उधर बन गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, गाइडलाइन बोलेंगे। तो अभी यही गाइडलाइन आगे की ओर फॉलो करते हुए हमें आगे के हेयर्स निकालने हैं। बिल्कुल मतलब इजी तरीका है, आप अगर अच्छे से धीरे धीरे मतलब करोगे तो आप कोई भी थ्रेडिंग आ जाएगी। तो अभी देखो, मैंने जो ओरिजिनल वीडियो है वो बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए, अगर और स्पीड ना बढ़ाते हुए, मैंने जैसा था वैसे ही मैंने अपलोड किया है, क्योंकि सीखने के लिए फिर क्या होता है, जल्दी जल्दी में एडिटिंग में और वो स्पीड बढ़ाने में क्या होता है, जो बिगिनर्स लोग हैं वो सीख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए अगर आपके क्लाइंट मतलब जो लूज अगर उसकी स्किन होगी, तो आपको उनको टाइट पकड़ने के लिए बोलना है, क्योंकि फिर स्किन थ्रेड में ना आए, और क्या होता है फिर कभी कभी थ्रेड में स्किन अटक जाने की वजह से उधर से क्या होता है, ब्लड निकलता है। तो यही है। तो अभी देखो, अभी आपको वही गाइडलाइन फॉलो करते हो, थोड़ा जब हम एंड की ओर आते हैं तब हमें थोड़ा सा कर्व शेप में थ्रेडिंग बनानी पड़ती है, तो उसको अपने आप शेप आ जाता है। साथ साथ हमने एक्स्ट्रा बाल भी निकाल ले लिए हैं, तो फिर अच्छी फिनिशिंग आ जाती है थ्रेडिंग को। तो अभी हम अपर वाली जो थ्रेडिंग है वो बनाएंगे। तो अपर वाली थ्रेडिंग में भी वही करना है आपको, स्ट्रेट लाइन में एक थ्रेडिंग बना लेनी है। मतलब जो स्ट्रेट लाइन पकड़ते हुए जो लाइन पड़ जाती है थ्रेडिंग के ऊपर, वही आगे फॉलो करते हुए हमें थ्रेडिंग बनानी है। एक बार अगर लाइन पड़ गई थ्रेडिंग में, तो फिर हमें अपने आप शेप दिखने लगता है, और मतलब प्रैक्टिस हो जाती है, तो अपने आप शेडिंग जो थ्रेडिंग है उस पे हमें मतलब शेप दिखने लगता है। तो यही है, ऐसे तरीके से हमें
थ्रेडिंग बनाने। तो देखो इसको भी हमें बिल्कुल एक मिनट के अंदर इसको भी शेप आ गया, और अभी हम एक्स्ट्रा हेयर्स भी निकाल लेंगे ताकि अच्छी फिनिशिंग और अच्छी क्लीन हो जाए थ्रेडिंग। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड की थ्रेडिंग बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की थ्रेडिंग बनाने में बहुत लोगों को मतलब दिक्कत आती है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं होती। लेफ्ट हैंड की जो थ्रेडिंग है, आप सिंपल कस्टमर के मतलब पीछे मतलब चेयर के पीछे खड़े होके कर सकते हो। जैसे राइट हैंड की जो थ्रेडिंग है हम आगे खड़े होके करते, और लेफ्ट हैंड की जो थ्रेडिंग है वो हम पीछे साइड खड़े होके फिर वो करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, गाइडलाइन क्रिएट कर लेनी है। जैसे कि दो तीन हेयर्स नीचे के निकाल के फिर आपको गाइडलाइन क्रिएट करनी है। तो देखो एक लाइन से उधर पड़ गई, और ये लाइन आगे लेके जाके फॉलो करके हमें थ्रेडिंग बनानी होती है। एकदम सिंपल होता है, दो चार हेयर्स आगे के अगर आपके निकल गए तो आपको बराबर शेप दिखने लगेगा, अपने आप ही शेप दिखने लगता है। तो यही टेक्निक है थ्रेडिंग की, बस यही है। मिडल आईब्रो तक आपको स्ट्रेट थ्रेडिंग घुमानी है, और उसके बाद आपको थोड़ा सा कर्व शेप बना के फिर आप थ्रेडिंग बनानी पड़ती है। साथ साथ मैं ना इधर एक्स्ट्रा हेयर्स भी निकाल लेती हूँ ताकि फिर जो थ्रेडिंग है वो बनने के बाद अच्छे से फिनिशिंग दे, अच्छे से क्लीन थ्रेडिंग आए इसीलिए। तो साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जो हेयर्स है वो भी निकाल लेते हैं। बिल्कुल एक लाइन फॉलो करके अगर हम आगे की ओर चले गए, थ्रेडिंग हो गई, तो फिर एक बार आपको उस थ्रेडिंग को देखना है, कहीं एक आधा हेयर्स मतलब छूट तो नहीं गया। तो इस चक्कर में फिर वो हेयर्स रह जाता है और आईब्रो भी खराब दिखती है, तो वो हेयर्स भी आप निकाल लिया गया। अभी देखो इस आईब्रो में आपको मिडल जहाँ पे मैं थ्रेड लगा रही हूँ उधर देखो बिल्कुल भी मतलब थ्रेडिंग जो है देखो नीचे की साइड झुक गए, उधर बाल मतलब नहीं है क्लाइंट को, तो मतलब बिगड़ा हुआ जो शेप है वो होता है। तो ऐसे में आपको कैसे थ्रेडिंग बनानी है, तो वही है एक्स्ट्रा के ही बाल उधर निकालने, ज़्यादा मतलब जो लाइन है थ्रेडिंग की उसके पास जाके थ्रेड आपको निकालना नहीं है, हेयर्स निकालने नहीं है, नहीं तो फिर आपका जो थ्रेडिंग है वो और बिगड़े हुए दिख सकती है इसीलिए। तो यही है शेप देने का तरीका, बिल्कुल जहाँ पे मतलब ग्रोथ कमी है वहाँ पे मतलब कम ही आपको हेयर्स निकालने, एक्स्ट्रा हो गए तो ही निकालने, वरना फिर थ्रेडिंग बहुत बिगड़ी हुई लग सकती है। तो यही तरीका है। तो अभी ये थ्रेडिंग हो गई है, तो हम क्या करेंगे, अभी फोरहेड जो है वो अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि इनके फोरहेड पे बहुत हेयर से, तो अच्छे से फोरहेड क्लीन करना है। और फिर अंदर का जो गैप है मतलब दोनों थ्रेडिंग के बीच में जो गैप है वो भी हमें निकालना है। अगर क्लाइंट को गैप मतलब अच्छा लगता है निकालना, तो आप एक बार कंफर्म कर ले कि मतलब बीच में जो हेयर से वो निकाले या नहीं, और तभी आप मतलब वो अच्छे से फिनिशिंग करके उसको दे सकते हो। तो इस तरह हमने थ्रेडिंग कंप्लीट कर ली है। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, मॉइस्चराइज़र लगाना होता है। तो मॉइस्चराइज़र इसलिए कि मतलब जो भी पेन वगैरह होता है थ्रेडिंग करते हुए टाइम, तो वो थोड़ा सा आराम मिल जाता है आपको। तो फ्रेंड्स आज का है हमारा थ्रेडिंग का वीडियो इस तरह कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।